नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 103 में और हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी भाजपा से संगीता सिंह जी। इनके साथ हम बात करेंगे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर। मैम, आपका हुंकार 24/7 में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आप काफ़ी समय से समाज सेविका के तौर पर कार्य कर रही हैं, अचानक आपका पार्टी में जुड़ने का क्या मकसद रहा? हमको समाज सेवा में 10 साल से हम जुड़े हुए हैं जी। समाज सेवा हमको अच्छा लगता है, भी अच्छे काम कर रहे हैं, हमको भी बीजेपी के साथ में जुड़कर हमको भी अच्छा काम करना है, इसलिए मैं बीजेपी के साथ जुड़े हैं। मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ के निगम पार्षद संतोष देवी जी, उनके द्वारा जो वार्ड में कार्य हो रहे, क्या आप उनसे खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। कूड़ा का गाड़ी रोज आता है, हर चीज़ का यहाँ सुविधा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, हर चीज़ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे हैं। हाँ मैम, बात करें यहाँ के विधायक अमानतुल्ला खान जी की, तो उनके द्वारा आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुआ है? विधायक तो इलेक्शन से पहले यहाँ पे आते थे कि हमको वोट दीजिए, हम अच्छे काम करेंगे, लेकिन जब वोट पड़ गया तो यहाँ पर आते नहीं है, ना यहाँ पर पानी का सुविधा है, ना पार्क का सुविधा है, ना कुछ देखने आते हैं, कोई चीज़ का यहाँ सुविधा नहीं है। मैम, बात करें मोहल्ला क्लिनिक की, जैसे कि दिल्ली सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, उन्होंने कहा था कि क्षेत्र में वो मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे, तो आपके वार्ड में कितनी मोहल्ला क्लिनिक खुली हैं? एक भी नहीं खुला है, सब बात झूठ बोले हैं। इलेक्शन से पहले तो बोलते हैं कि ऐसे करेंगे, कुछ काम नहीं किए हैं वो। हाँ मैम, आपको पार्टी ने क्या क्या जिम्मेदारियाँ दी हैं? महिला जोड़ने का मैं कार्य करती हूँ, जहाँ पे मोदी जी का प्रोग्राम होता है वहाँ पे हम लोग अपना जाते हूँ, महिला सब एक साथ मिलकर जाती हूँ जहाँ पे उनका प्रोग्राम होता है जी। मैम, आपको एक पद दिया गया है, तो आप उस जिम्मेदारी को किस रूप में निभाएंगी? पार्टी के लिए जितना काम होगा मैं करूँगी, लोगों के बताऊँगी कि पार्टी के लिए काम करना है, लेडीज को हमको जुटाना है पार्टी के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हुंकार मीडिया को अपना कीमती टाइम दिया। धन्यवाद। जैसा कि आपने संगीता सिंह जी को सुना और देखा, उनका यही कहना, जो यहाँ के निगम पार्षद था उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भरपूर रूप से निभाया है। बात करें यहाँ के विधायक की, तो उन्होंने अपने पद को सिर्फ एक नाम के लिए लिया है, यहाँ पे क्षेत्र में जो हो रहा है, क्या समस्या है, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ वो एक पद के लिए ही यहाँ पे क्षेत्र में आते थे वोट से पहले, लेकिन अब जब जीत गए हैं, उनको एक पद मिल गया है, तो अब उनको कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल आप बने रहे हुंकार 24/7 के साथ, मैं रेनू चौहान, कैमरामैन सोनू यादव के साथ, ओखला विधानसभा क्षेत्र। धन्यवाद।